Sum number 17. Mohan and Mohan are partners of a firm sharing profits and losses in the proportion of 1:1. From the following trial balance and adjustment, prepare final accounts for the year ending on 31/3/2017. Trial balance of partnership firm of Mohan and Mohan as on 31/3/17. Name of accounts diya hua hai, capital and drawings. Obviously, credit balance is capital and here is the drawings. Purchase sales diya hai, advertisement expense, carriage outward, machinery office ka diya hai. Purchase of machine obviously usme add hoga. Building diya hua hai, office salary, customer and supplier yani debtor creditor. Goods return mein aap sab samajh gaye honge ki ab is side pe jo diya hai yani ki debit side pe wo sales return hai aur credit mein jo diya hua hai wo purchase return hai. Weighing charges diya hua hai, loan of month. Friends, partners loan hai to 6% is going to be the rate of interest. Carriage inward, opening stock diya hai, trading expenses, wages and outstanding wages. Okay, trial balance hai, ek hi effect aayegi. Commission paid in advance, bank account and cash account. Remember, debit is always cash, credit ka bank overdraft ho sakta hai. Interest on loan given, to interest on loan kya ho jayega, wo to debit side pe chala jayega. Loan of month, that is debit side pe chala jayega, interest on loan. Carriage inward, good stock diya hua hai. Okay, okay, fine. Interest on loan का क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो loan loan दिया हुआ है और सामने ये interest on loan दिया हुआ है, देख लेंगे हम लोग इसको कैसे settle करना है. Investment in 8% government security. Remember, this is hidden adjustment. ये भी एक hidden adjustment है और ये भी obviously part of hidden adjustment. Current account दिया हुआ है Mohan and Mohan. Friends, remember, जब भी question के अंदर capital का भी balance दिया हो और current का भी balance दिया हो, जब भी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल का भी बैलेंस दिया और करंट का भी बैलेंस दिया हो, तो हम लोग हमेशा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे एंड करंट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सारे रूटीन ट्रांजैक्शन हमें करंट अकाउंट में लिखने होते हैं. चलिए एडजस्टमेंट्स में, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 80,000, इट्स मार्केट वैल्यू 10% मोर, इग्नोर करो. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड बिल्डिंग, देख लेंगे, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है. डेटर ऑफ रुपीज 10,000 बिकेम इनसॉल्वेंट, 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रिसीवर एंड 5% का बैड डेट रिजर्व करना है. ओके, नेक्स्ट इज 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉर्मल एडजस्टमेंट है. एंड लास्ट वन, गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. रिमेंबर, ये भी एक अच्छा एडजस्टमेंट है, पहले ये करना पड़ेगा, बाद में ही ये कर पाएंगे. आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होते हैं उसकी एक पूरी सीक्वेंस है, उसमें हमें सेल्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट पहले करने हैं, उसके बाद बैड डेट, फिर बीडीआर और फिर डिस्काउंट रिजर्व. इट्स अ सीक्वेंस. ओके, चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग. पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि कॉलम हमने कौन कौन से प्रिपेयर किए हुए हैं. सबसे पहले पेज पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है, सेकंड पेज पे पी एंड एल अकाउंट, थर्ड पेज की अगर मैं बात करूं तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, एंड फोर्थ पेज पे हम लोगों ने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है. जरूरत पड़ने पे वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करेंगे. चलिए पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल लिख देते हैं. 280 एंड 220 दिया हुआ है कैपिटल में, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर. कैपिटल अकाउंट, इट इज मन एंड मोहन, 2,80,000 एंड 2,20,000, 5 लैक्स हो जाएगा. ओके, उसके साथ साथ ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 3,000 एंड 4,500. तो ड्रॉइंग्स में डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा टू ड्रॉइंग्स, 3,000 फॉर मन एंड 4,500 फॉर मोहन. अगर आप लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने डेबिट साइड पे भी एक लाइन लीव किया है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, इसलिए क्योंकि करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, लेकिन डेबिट हुआ तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ना ओपनिंग बैलेंस. मैं बताता हूँ आपको, करंट अकाउंट के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लास्ट में दिए हुए हैं. मन का देखिए डेबिट बैलेंस है 8,000, मन का 8,000 रुपए डेबिट बैलेंस है और मोहन का 12,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस है. मोहन का 12,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस है. चलिए आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं. सबसे पहला एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 80,000, मार्केट वैल्यू 10% ज्यादा है. देख लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 80,000,
एंड क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ पे असेट साइड पे लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। नेक्स्ट चेक कीजिए, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीन्स एंड बिल्डिंग। चलिए एक के बाद एक, पहले मशीन की बात करते हैं, तो पहले मशीन ओरिजिनल था 150 और फिर है 40 परचेस किया हुआ। सो देखिए मशीन ओरिजिनल था 1,50,000 एंड फिर हमने कुछ नया परचेस किया है 40,000, सो टोटल हो गया 1,90,000। रिमेंबर नया जो परचेस किया है उसकी डेट भी 1/4/16 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फुल ईयर का ही डेप्री काउंट करना है। बताइए मशीन पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10% डेप्रिसिएशन है, सो माइनस डेप्रिसिएशन 10% यानी 19,000, सो 1,71,000। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, ओके नहीं बोला हुआ है, ऑफिस का ही मशीन है, ऑफिस है इसलिए तो पीएनएल में ही जाएगा। 19,000 रुपीस टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इट इज 19,000 रुपीस। नेक्स्ट बिल्डिंग पे भी 10% डेप्रिसिएशन करना है, बिल्डिंग इज 2,50,000। लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, बिल्डिंग इट इज 2,50,000 एंड माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन 10% यानी 25,000, 25 करेंगे तो 2,25,000 हो जाएगा एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इट इज 25,000। टेल मी नेक्स्ट। सी फ्रेंड्स ये डेटर की बात आती है, पहले ये फिफ्थ करना है फिर थर्ड करना है, एक काम करता हूँ पहले फोर्थ खत्म कर देता हूँ। 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बताइए पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट है कितना, 3,000 रुपए है, तो लेट मी राइट डाउन इन ऑन लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 एंड प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10% यानी 300 रुपए हो जाएगा, सो 3,300 एंड 300 रुपीज का जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ओके अब देखिए फ्रेंड्स, अब तो ये करना ही पड़ेगा, गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 इज बीइंग मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का मतलब क्या हुआ, मुझे सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीजें करने से पहले मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मेट के तौर पे परचेज लिखूंगा माइनस रिटर्न, जब आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे भी ओरिजिनल सेल्स लिखेंगे माइनस रिटर्न जब आएगा तब। अब देखिए अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, तो इसको भी माइनस तो करना पड़ेगा ना, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न को कितना है, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न इज 2,000 रुपीस। अब एक बात सोचिए, अगर आपने किसी चीज को सेल्स में से माइनस किया, अगर आपने किसी भी चीज को सेल्स में से माइनस किया तो आपको पता है ना उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, उसको डेटर्स में से भी माइनस करना पड़ेगा। बताइए चलिए मुझे डेटर्स है कितने, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, कस्टमर्स में डेटर्स हो जाएंगे 25,000, सो 25,000 देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, 25,000 यहाँ पे देख लेंगे माइनस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न कितना आ जाएगा बताइए मुझे, 2,000 रुपए दिया हुआ है अंदर, सो 2,000 रुपीस अंदर आ जाएगा, ठीक है, सो 23,000 डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बोला है उन्होंने, 10,000 रुपए का एक डेटर जो है ना वो इनसॉल्वेंट हो गया है। रीड कीजिए, 10,000 रुपए का एक डेटर जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया है, जिसमें से 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रिसीवर, 50% तो मिल जाने वाला है। तो कैन आई से फ्रेंड्स बैड डेट कितना हुआ, 5,000 रुपए ही सिर्फ बैड डेट हुआ, ओके लेकिन इसको मुझे एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। अब देखिए अभी डेटर आपका कितना हो गया, 20 अब देखिए अभी आपका डेटर कितना हो गया, 23,000। लेट मी मेक वर्किंग नोट नंबर 1, आपके पास डेटर्स है 23,000 के, लेकिन इन डेटर्स में से एक डेटर कितने का, 10,000 का, उसका पूरा जो मैटर है ना वो कहां चला गया है पता है, कोर्ट में चला गया है। उसने फ्रेंड्स क्या बोला, 5,000 रुपए आपको रिसीव हो जाएंगे फॉर श्योर, 5,000 रुपए आपको कंफर्म मिल जाएंगे यानी कि फ्यूचर में मिलेंगे, और बाकी के 5,000 का क्या हो गया, बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट, सही है या नहीं, ऑलराइट। एंड रिमेनिंग जो है 13,000 के डेटर्स, ये कैसे हो गए, रिमेनिंग
जो कोर्ट में नहीं है, रिमेनिंग, जिस पे मुझे 5% बीडीआर रखना है, दैट इज ₹650। तो फ्रेंड्स बैड डेट का फिगर कितना आया, 5000, एंड बैड डेट रिजर्व का फिगर कितना आया, 650। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं पहले तो ऊपर P&L अकाउंट में पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करूंगा यहाँ पे, जैसा हम लोग हर बार करते हैं, बीडी बीडी बीडीआर एंड बीडीआर, क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। चलिए यहाँ पे ध्यान, अब देखिए आपने डिसाइड कर लिया कि 5000 का तो बैड डेट है ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिडक्ट करेंगे बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट 5000 रुपए। ध्यान यहाँ पे सबका, बचा कितना, 18,000 रुपीज। अब 5000 रुपए बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नाउ फ्रेंड्स everyone will commit an error over here, सब जो BDR रखने वाले हैं ना, सब लोग 18000 का 5% यानी 900 रुपीस लिखेंगे। Listen to me carefully, everyone will record 900 रुपीस as bad debt reserve, लेकिन आपको पता है friends, ध्यान यहाँ पे, जो debtors थे उसमें से 10000 के debtor court में गए हैं, तो उसमें सिर्फ आपको, उसमें कोई doubtful debt नहीं होगा, कोई डाउटफुल नहीं होगा, आइदर उसके पैसे आ जाएंगे और बैड डेट हो जाएगा। फिर से एक बार, आइदर उसके पैसे कंफर्म आ जाएंगे, देखिए ये कंफर्म आने वाले पैसे हैं, या तो फिर कंफर्म नहीं आएंगे। फ्रेंड्स जो बाकी के डेटर्स है, अदर डेटर्स है, नॉर्मल डेटर्स है, जनरल डेटर्स है, उन पे मुझे डाउट है। BDR का मतलब क्या है, BDR का मतलब यही होता है ना, जिन पे आपको डाउट है उतना बैड डेट रिजर्व रखो, आपको डाउट है कि 5% लोग पैसा नहीं देंगे, तो फ्रेंड्स रिमेंबर इस पे ही डाउट हो सकता है, इन पे कोई डाउट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैटर कोर्ट में है एंड उन्होंने बोल दिया है कि 50% रकम मिल जाएगी, तो अब उसमें कोई डाउट रखने का कोई सेंस बनता नहीं है। That's why friends, मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगा, यहाँ पे देख के आपको ऐसा लगेगा कि 18,000 का 5% यानी 900 BDR होना चाहिए, लेकिन वर्किंग नोट की मदद से पता चलता है हमें कि 650 का BDR होना चाहिए। चलिए बताइए 17350 एंड 650 का bad debt reserve, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। चलिए सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए, अब हिडन एडजस्टमेंट की भी मैटर ले लेते हैं। मन का लोन है 10,000 रुपीज का, ऑब्वियसली हमें पार्टनर का लोन है, फिर भी हमें लिखना तो बैलेंस शीट में ही पड़ेगा, मन का लोन 10,000 रुपीज। नाउ फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन मंस लोन कैसे आएगा, 10,000 का लोन है इंटू 6% होना कितना चाहिए, 600 रुपये होना चाहिए। अब आप देखिए ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन आप देखिए ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन 400 रुपये दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन 400 दिया हुआ है, क्या ना इससे 400 जो उन्होंने दिया है उसका सिर्फ एक इफेक्ट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 400 एंड प्लस, देखो टोटल 600 होना चाहिए वो तो श्योर है, 10,000 का लोन है, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टोटल 600 होना चाहिए वो तो श्योर है, सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200 एंड दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200, सो कितना हो गया यहाँ पे 10,200। और एक दिया है फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 30,000। अब देखिए इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली वो आएगा असेट साइड में, अब 8% का इन्वेस्टमेंट है तो आप लोग करके देखिए 30,000 का अगर 8% अगर आप लोग करते हो तो वो कितना होगा, तो 30,000 इनटू 8% 2400 होना चाहिए। मुझे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कहीं पे भी मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, तो कैन आई से इट्स ऑल इंटरेस्ट रिसीवेबल 2400, सो आउटर कॉलम 32,400 एंड बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल 2400 P&L अकाउंट। फ्रेंड्स कैन वी से सारे एडजस्टमेंट्स हिडन एडजस्टमेंट के साथ खत्म हो गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग बाकी की चीजें, परचेज एंड सेल लिखना है, परचेज 80,000 सेल 1,20,000, परचेज 80,000 सेल लिखना है 1,20,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 7,000, P&L में डेबिट लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इट इज 7,000। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड इट इज 850, फ्रेंड्स आउटवर्ड होगा तो वो तो P&L में ही लिखेंगे ना,
कैरेज आउटवर्ड इट इज 850. नेक्स्ट ऑफिस सैलरी इट इज 15,000. सो टू सैलरी इट इज 15,000. नेक्स्ट गुड्स रिटर्न, देखिए सेल्स रिटर्न 16,000 होगा, सेल्स रिटर्न कितना होगा 16,000, एंड क्रेडिट साइड का परचेज रिटर्न इज 14,000. ठीक है, एक चीज शायद रह गई है, यस टिक मार्क से पता चला, क्रेडिटर्स 35,000. लेट मी राइट डाउन ओवर हियर क्रेडिटर्स 35,000. व्हाट्स नेक्स्ट फ्रेंड्स, वेट चार्जेस 450 ट्रेडिंग में जाएंगे, वेइंग चार्जेस कितना है 450 रुपीस. नेक्स्ट लोन ऑफ मन हो गया, कैरेज इनवर्ड 1300 ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड इट इज 1300. नेक्स्ट गुड स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक 42,000, सो टू ओपनिंग स्टॉक इट इज 42,000. नेक्स्ट इज ट्रेडिंग एक्सपेंस 1300, ट्रेडिंग एक्सपेंस तो पीएनएल में जाएगा, बिजनेस का खर्चा 1300. वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, फ्रेंड्स वेजेस 750 पहले यहां पे डेबिट करेंगे, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब होता है इट्स अ लायबिलिटी, एंड ऑब्वियस है कि वो अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसकी एक ही इफेक्ट होगी, इट्स नॉट एन एडजस्टमेंट कि मैं दो इफेक्ट दूं. ओके 2600. नेक्स्ट कमीशन पेड इन एडवांस, प्रीपेड है तो यहां पे असेट में आएगा, ट्रायल बैलेंस एक ही इफेक्ट आएगी, प्रीपेड कमीशन 350. बैंक एंड कैश, फ्रेंड्स कैश बाकी है 20,700, असेट में लिखेंगे वो भी 20,700. इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, करंट अकाउंट्स भी हो गए. अब क्या करना है, अब हमें क्लोज करना है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो याद होगा आपको 1:1 है. चलिए एकदम आराम से क्लोज करते हैं. कुछ चीजें अगर आउटर कॉलम में नहीं है तो उनको पहले हम लोग आउटर कॉलम में लेके आएंगे. 1,20,000 माइनस 16,000 यानी 1,04,000 माइनस अगेन 2,000 एंड दैट कम्स टू 1,02,000. यहाँ पे 80,000 माइनस 14,000 एंड दैट कम्स टू 66,000. चलिए टोटलिंग करते हैं. कौन सी साइड पे टोटल ज्यादा है, क्रेडिट में लग रहा है अभी तो 182,000 माइनस क्या करेंगे 42,000 माइनस 66,000 माइनस 450 माइनस 1300 माइनस 750 एंड दैट कम्स टू 71,500 व्हिच इज टू ग्रॉस प्रॉफिट. ऑलराइट, चलिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम लोगों ने किया 71,500. चलिए जो चीजें आउटर कॉलम में नहीं लिखी है लिख देते हैं पहले 5650. ओके मुझे लग रहा है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हो. चलिए अपनी टोटल करके देखते हैं. 19,000 प्लस 25,000 प्लस 300 प्लस 5650 प्लस 600 प्लस 7,000 प्लस 850 प्लस 15,000 एंड प्लस 1300. यस 74,700. इफ आई कीप द सेम टोटल ओवर हियर I will get the balancing figure. माइनस करेंगे 71,500 एंड माइनस 24,000 comes to 800. Can we say friends 800 is net loss? देखिए net loss को हम कहाँ ले जाएंगे, P&L appropriation account में debit side पे obviously 800. अब कैसे करेंगे 800 और ये क्या बन जाएगा आपके लिए divisible loss मन एंड मोहन. चलिए divisible loss equal ratio में यानी 400-400 हो गया. So two divisible loss 400 and 400. Let's make the total. Okay, इसमें debit ज्यादा है 11,400 to closing balance. अब देखिए debit balance यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा मन का current account 11,400 and friends मोहन का current account 12,000 और यहाँ पे balancing figure 7,100.
तो देखिए यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ मोहन 7100। चलिए अब इसका भी टोटल करना है बैलेंस शीट का। ओके चलिए लायबिलिटी साइड पे 5 लाख प्लस 7100 प्लस 3300 प्लस 10200 प्लस 35000 एंड प्लस 2600 एंड दैट कम्स टू 558200। चलिए असेट साइड पे आराम से 80000 प्लस 171000 प्लस 225000 प्लस 17350 प्लस 32400 प्लस 350 प्लस 20700 प्लस 11400। अगेन इट इज 558200। सी फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊं बहुत ही सिंपल सा समझा। ओनली गुड पॉइंट वाज अबाउट डेटर्स। डेटर्स के बारे में जो पॉइंट दिया था ना यहाँ पे वो बहुत बढ़िया था। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेल्स से रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट है तो उसे पहले सॉल्व करना है, फिर ही बीडी और बीडीआर कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर मामला कोर्ट में है, अगर रिसीवर ने आपको बता दिया है कि हम लोग आपको 50% अमाउंट पे कर देंगे तो उस पे हम लोग कभी भी बैड डेट रिजर्व अप्लाई नहीं कर सकते। सो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दिस वाज अ स्पेशल एडजस्टमेंट, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें ये वर्किंग अलग से करनी पड़ेगी। इज इट फाइन विद एवरीवन? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।